किया था वही आज हो गया है। क्या नहीं चाहते थे, क्या हो गया? सिपाही, मैं कभी ये नहीं चाहता था कि राजकुमारी दीक्षा वो कभी ठीक हो जाए। क्यों नहीं चाहते थे? वो इसलिए कि मैं राजकुमारी को, मैं तो हमेशा यही सोचता था कि ये कभी ठीक ना हो। और एक दिन इसी बिस्तर पे अपने प्राण को त्याग दे। शिवाही बहुत बड़ा फायदा होता हो। अगर राजकुमारी दुनिया में जिंदा नहीं होती तो सम्राट के पास कोई दूसरी औलाद नहीं थी। आए दिन इज्जत और ताज का कोई मालिक होता तो वह महामंत्री रंजीत सिंह होता। यदि यहाँ का मालिक होता तो महामंत्री बखलंदी हरा। रंजीत सिंह होता और ये आगे ठाकुर लंबरदार अनिल सिंह, ठाकुर लंबरदार अनिल सिंह मवैया, ये उनकी तरफ से 100 रुपए ठाकुर साहब के लिए ठाकुर की तरफ से आया है। छह सिपाही, लेकिन आज खबारी अरमानों पे पानी फिर गया है। और इन खबरों का जिम्मेदार कौन है? कौन है इन सबों का जिम्मेदार? इन सबों का जिम्मेदार ये है, ये है, ये नहीं कहा, ये है। कौन है इन सबों का जिम्मेदार? अगर इन सबों का जिम्मेदार है तो वो शाला सेनापति बलबीर सिंह है। अगर बलबीर सिंह नहीं होता, सम्राट और राजकुमारी को उस बाबा के तक नहीं ले जाता तो राजकुमारी कभी ठीक नहीं होती। लेकिन बलबीर सिंह ने जो कुछ किया है वो अच्छा नहीं किया है, उसने हमारे अरमानों पे पानी फेरा है। और मैं इस साले की खुशी को छीन लूंगा कि देख के मैं आज के बाद कौन सी चाल को चलता हो और कौन सा खेल खेलता हो। तो सेना पद पे है पड़ा महाराज को, सेना पद पे है पड़ा महाराज को ना, और उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है, उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है। बलबीर सिंह, शाले तूने मेरे अरमान पर पानी फेरा है और मैं तेरी खुशी को छीन लूंगा। जब तक तेरी खुशी को छीन न लिया तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जय शिवाही, जिस बाबा ने राजकुमारी को ठीक किया है अगर उसी से उसे मरवा ना दिया तो मैंने कुछ ना किया। क्या रे राजकुमारी बोल, इसलिए सिपाही हम चलेंगे कल्याणमल बाबा के पास और बाबा से दोस्ती का हाथ मिलाऊंगा। अगर उसने दोस्ती का हाथ मिला लिया तो देखना कि एक दिन हम बलबीर व सम्राट की खुशी को छीन लूंगा। जब तक इन दोनों की खुशियों को छीन नहीं लूंगा तब तक रंजीत सिंह चैन से नहीं बैठेगा। इसे आओ चलते हैं हम कल्याणमल बाबा के।
आओ मेरी। और ये आ गए हमारे परम आदरणीय राकेश सिंह उर्फ दद्दन भैया, ये उनकी तरफ से ये सीन को देखते हुए 100 रुपए का इनाम पार्टी को धन। देखो साले दोखी का कितना लंबा प्लान बना है। अबे प्लान की प्लान। हाँ यार ये साला राजा बने बिना जुबरान। राजा नहीं मार रहा हूँ बनी है तो सकल का नहीं कहाँ महाराज और कहाँ या साला बसुलहा मसला ना था खुले घोड़ा। कहाँ महाराज और कहाँ या साला हुक्का वही नियात कहाँ कमल गट्टा के फूल कहाँ साला कुकुर मुत्ता के फेर सरवा। खड़ा हो जा अब और खड़ा हो। अब्बास आखिर पहली माता क्या है रे बीमारियां सारी बीमारियां दूर कर दूंगा। बल क्या बातें हो रही थी किसी बातें हो रही राजा बनवर इनके सर कौन थे राजा बने के यही साला ये साला कहा तुम राजा बने तुम्हारी हराम खोर। अगर तू सम्राट बनने का ख्वाब देखा तो याद रख ऐसी जगह डालूंगा कभी वहां से निकलना मुश्किल आ रहा। तम साले हराम खोर गिर गिर याद रखना कौन सी बगिया। अगर दोबारा हमारे खिलाफ आवाज उठाया तो तुम दोनों को साले 10 फीट जमीन में जिंदा डाल दूंगा। इसलिए हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। आओ हम चलते हैं कल्याणमल बाबा के पास। आओ मेरी शाह घुस गए कहे तब नहीं घुसा रहा का तब हम कहे घुस गए लेकिन साल मोहकन में बह रहा। अबे पूरा नहीं घुसा रहा का आपके बच्चा बह रहे मारा हापा से चले गए। अच्छा आपकी हपाका मारे हो तब क्यों रुक जाए था पक्का है रुकन था लेकर पलट देखो ये कहे कौन भाई साहेगा कहा दे रुकन नहीं तो पलट देंगे। याद आंधी पानी के खबर मिल जाते के सारे दोखी के खबरों नहीं मिले हाँ सारे जोखी के खबर नहीं मिले ठेकेदार बकला फोरी पे हरीश यार हमें पित्ती उछरिया पित्ती उछरिया सारी दे में धुरखा झोई गई रे यार जाने हमें पेचिसों पर ही तोरे पेचिस जब जब पड़ा है मुहे की पड़ा है तोरे आंखी की पड़ा है नकुना क्या है खराब करो ये जगह खड़े खड़े मरुआ ठीक है तो मरुआ हम देखे
हम मरवाई तो तू मरवा तो कहे का निकला के तो वही मरवाओ तो अच्छा निकला को ते काते यो मर नहीं मरवाओ एके सौखी हो तुम चलो नहीं कहू कहे से आवाज है ले तो आंखियो नहीं गई तो आंखी नहीं पुजा कहना है क्या कहना है और हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने गोरे गोरे कालों ने फिल्मी दुनिया वालों को हुस्न वाले लूटे हैं और हमका तो हमें ससुराल वाले भी जा रहे कौन कबाड़ी एकदम उछिंदी के पहरा बुला दी कहे के पहरा उछिंदी के कुछ और समझो कहा ना समझो यार और हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने गोरी गोरी साली ने काले काले सालों ने भाई देखा मंत्री रंजीत सिंह को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था बिल्कुल नहीं था महाराज और बलबीर सिंह की बात को मानकर बेटी को बाबा के पास ले गया हमारी बेटी ठीक हो गई क्यों नहीं महाराज आज हमारे आसाम राज्य के अंदर हमारी प्रजा वो खुशियां मना रही है जी महाराज आज आपके आसाम के सभी नर नारी अपने अपने घरों में खुशी से घी के चिराग जला रहे हैं जो क्यों नहीं सिपाही हमेशा हमारी प्रजा का ख्याल रखना और ये आगे मनीराम भाई चिगुरा ये 51 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पार्टी को धन्यवाद राम नौटंकी मास्टर राजा राम वर्मा ये उनकी तरफ से ये 50 रुपए का इनाम ग्राम सभा पारा हमीदपुर महाराज अब आपकी बेटी ठीक हो गई है तो इस खुशी में अगर इजाजत हो तो ये पैगाम जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी को सुनाऊं बलवीर सिंह आज हमारी बेटी जो ठीक हुई है ये सब तुम्हारी वजह से नहीं महाराज ये तो सब माँ काली की कृपा है और बाबा की दुआ है और जाओ मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ ये खुशी का पैगाम जा करके अपने बंगले पर अपने पति को सुनाओ लेकिन उसके बाद तुम सीमा शरद के लिए रवाना हो जाओ और ये आ गए नसीम व्यापारी मोहल्ला बाजार 20 रुपए का इनाम सिपाही जी महाराज तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो और मैं राजमहल चल रहा हूं मेरा बेटा दीप सिंह कॉलेज गया हुआ है लेकिन टाइम काफी हो चुका है अभी तक वो कॉलेज से लौट कर वापस नहीं आया पता नहीं क्या बात है
मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की पारा हमीदपुर, ये आप तरफ से 51 रुपए का इनाम पाँच को। धन्यवाद बेटा दीप जी। मम्मी ये बताइए, कॉलेज से आने का यही समय, इतना लेट क्यों आए? मम्मी आज मैं अपने दोस्तों के घर चला गया था, इसलिए मुझसे देरी हो गई है। लेकिन किससे पूछ कर? आई एम सॉरी मम्मी। बेटा दीप ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करती हूं। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे डैडी एक सेनानायक हैं, और फिर अब तुम बच्चे नहीं रहे, सयाने हो चुके। इसलिए मेरा कहना है कि बगैर घर वालों की इजाजत के किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जमाना बेहद खराब चल रहा है। ठीक है मम्मी, आज के बाद बगैर आपसे पूछे हुए हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन बेटा एक बात मेरे समझ नहीं आती, तुम्हारे डैडी जब से बॉर्डर पे गए हैं, आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने ना तो फोन किया है, ना तो उनका कुछ हाल खबर मिला है। जब वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे किसी का ख्याल नहीं करते। मम्मी पापा ने आज भी फोन नहीं किया है? नहीं बेटा। मम्मी हो सकता है कि कोई कारणवश उन्हें फोन करने का वक्त ना मिला हो, आज का दिन हम उन्हें इंतजार करेंगे। अगर वो फोन नहीं करते हैं तो हम खुद फोन लगाकर पता लगाएंगे कि कौन सी ऐसी बात हो गई है जो कि उन्हें फोन करने का वक्त नहीं मिला है। हाँ बेटा। हाँ मम्मी,
आज के दिन हम लोग सिर्फ इंतजार करेंगे। माँ बेटे बहुत बातें करते हैं। हाँ पापा, हम माँ बेटे आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। मेरे बारे में? हाँ पापा। क्या बातें कर रहे थे? हम लोग यही सोच रहे थे कि आज काफी दिन गुजर गए हैं, कौन सी ऐसी बात हो गई है जो कि हमारे पापा को फोन करने का वक्त नहीं मिला है। बेटा, वक्त नहीं मिलता, और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि सीमा पर हर वक्त खतरा बना रहता है, इसलिए वक्त नहीं मिलता फोन करने का। और फिर एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूं। खुशी का पैगाम? हाँ। स्वामी जी, आज आपको अचानक देखकर हम लोग हैरत में पड़ गए कि आपको हमारी लोगों की याद कैसे आ गई। प्रिय कमला, तुम तो जानती हो कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो तो मैं अच्छी तरह जानती, इसलिए वक्त नहीं मिलता, बराबर छुट्टी नहीं मिल पाती है। और आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। क्या? जिसे सुनकर बेहद खुश हो जाओगे। खुशी का पैगाम? हाँ स्वामी जी, कौन ऐसी खुशी का पैगाम आप लेकर आए हैं जो हम लोग सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे, जरा हम लोगों को भी बताइए। प्रिय, जो महाराज की बेटी हमेशा बीमार पड़ी रहती थी। क्या हुआ महाराज की बेटी? अब वो ठीक हो गई है। क्या? महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी वो ठीक हो गई? हाँ। लेकिन स्वामी जी, राजकुमारी जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई? प्रिय, जब मैं बॉर्डर पे मौजूद था तो सैकड़ों लोगों का आना जाना उसी रास्ते से लगा था। अचानक मैं उन लोगों से दरियाफ्त किया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो लोगों ने बताया कि मैं बाबा कल्याणी मल के पास जा रहा हूं। उन लोगों के साथ मैं वहां पहुंचा तो वहां क्या देखा कि एक भद्र विशाल माँ काली का मंदिर, और उसी मंदिर में बाबा कल्याणी मल बैठे हुए थे। सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा थी, लोग अपनी अपनी फरियादें सुना रहे थे, और यहां तक कि लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए बाबा के चौखट से जा रहे हैं। ये नजारा देखकर दरबार पहुंचा और वही बात महाराज के समक्ष पेश किया। महाराज व महाराज की बेटी को बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचा दिया। माँ काली की कृपा से, बाबा की दुआ से राजकुमारी ये ठीक हो गई है। स्वामी जी, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी हुई। खुश होना चाहिए प्रिय, पूरे आसाम राज्य में खुशी की शहनाई बज रही है, चारों तरफ बाबा का जय जयकार हो रहा है। लोग अपने अपने मोहल्ले में मिठाइयां बांट रहे हैं और ढोल नगाड़े से जश्न मना रहे हैं। स्वामी जी, इस खुशी में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हूँ? आप तस्वीर स्वामी जी, आपसे एक विनय है मेरी। स्वामी जी, स्वामी जी आपसे एक विनय है मेरी, चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। लाल की हस्त रेखा दिखा कर उन्हें क्या लिखा भागे मेरे नजर। हेलो पप्पू भाई, मोमफली वाले ढेबा, ये उनकी तरफ से 11 रुपए का इनाम, साथ में मोमफली पाद को। धन्यवाद। यानी तुम
माँ काली के दर्शन करना चाहती हो और अपने बेटे के हास्य रेखा को दिखा कर बाबा जी से पूछूंगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा होगा। ये तो खुशी की बात है। प्यारी कमला तेरी इच्छा पूरी करूं।